नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये आधार कार्ड आप किसी भी काम के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आधार कार्ड को आजकल एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज़ किया जाने लगा है। आप किसी भी काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती ही है, और आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे बाकी आपके सारे काम बहुत ईजिली हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो फिर आपको दूसरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आधार कार्ड को आप आईडी और एड्रेस दोनों तरह के प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी काम से बाहर गए हैं और अपना आधार कार्ड ले जाना भूल गए हैं, तो फिर आप कैसे अपने उस काम को पूरा करेंगे। तो आज का वीडियो इसीलिए आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि अगर आप कहीं आधार कार्ड लेकर नहीं गए हैं और आपको आधार कार्ड की ज़रूरत है, तो किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन से आधार कार्ड डाउनलोड करके उस काम को पूरा कर सकते हैं। मेरी सलाह ये है कि आप कहीं भी जाएं तो अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल आधार कार्ड अपने साथ ज़रूर रखें। तो आधार कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें चलना होगा हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने अपना फ़ोन हाथ में ले लिया है। यहाँ पर हम अपने गूगल क्रोम के ब्राउज़र में आ गए हैं। आपके पास कोई और ब्राउज़र है तो उस पर भी आप जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ गूगल क्रोम खोल लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमने टाइप कर दिया है माई आधार UIDAI और यहाँ पर गो यानी सर्च कर दिया है। सर्च करने के बाद यहाँ सबसे पहला ही ऑप्शन हमारे पास आ जाता है माई आधार UIDAI। इसमें वेबसाइट का नाम लिखा है myaadhar.uidai.gov.in। इसी पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही हमारे पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो इसमें डैशबोर्ड में हम नीचे की ओर जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा सा नीचे जाने पर यहाँ डाउनलोड आधार का एक आपको ऑप्शन या एक टैब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ से आप आधार तभी डाउनलोड कर सकते हैं जब आपको आपका आधार नंबर पता है। अब मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं और आपको आपका आधार नंबर याद नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको आपका आधार नंबर पता करना पड़ेगा कि आपका आधार नंबर क्या है। उसके लिए उसी डाउनलोड आधार के नीचे आपको एक दूसरी टैब दिख रही होगी, रीट्राइव EID ऑब्लिक आधार नंबर। तो इस टैब पर हमें क्लिक कर देना है। इस टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट 12 डिजिट आधार नंबर ऑब्लिक 28 डिजिट एनरोलमेंट नंबर। तो यहाँ हमें आधार नंबर पता करना है या एनरोलमेंट, उसी पर हमें टिक कर देना है। हमें आधार नंबर पता करना है तो हमने टिक कर दिया। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, तो हमने जिस नाम से आधार है वो नाम हमने यहाँ एंटर कर दिया। मान लीजिए मुझे अपना डाउनलोड करना है तो अपना नाम एंटर कर दिया। नीचे यहाँ पर हमें अपना फ़ोन नंबर डालना है। यहाँ हमने अपना फ़ोन नंबर भी डाल दिया है। फ़ोन नंबर अगर आपको ध्यान नहीं है तो यहाँ ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आपने कैप्चा फिल करना है, तो चलिए कैप्चा भी फिल कर लेते हैं हम। और उसके बाद सेंड OTP पर हमें क्लिक कर देना है। हमने कैप्चा यहाँ गलत फिल कर दिया, एक बार दोबारा से हम फिल कर देते हैं। और अब यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर दिया। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक पॉपअप दिखा रहा है, OTP जनरेटेड सक्सेसफुली। तो हमारे नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP हमें यहाँ पर फिल करना है। तो ये हमने मैसेज चेक कर लिया, यहाँ पर आ गया आपका। तो यहाँ पर हमें अपना OTP फिल कर देना है। हमने यहाँ OTP फिल कर दिया है। सबमिट की टैब यहाँ पर हाईलाइट हो गई है, सबमिट पर क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के बाद यहाँ दिखा दिया है आपका जो आधार नंबर है उसमें बाकी सभी जगह क्रॉस लगा रहेगा, लेकिन जो आपके लास्ट के 4 डिजिट होंगे वो यहाँ पर शो कर जाएगा। अब चूंकि आपका यहाँ पर 4 डिजिट है तो हमारा 4 डिजिट से काम तो चल रहा नहीं, लेकिन आधार क्या करेगा कि आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज करेगा, उस मैसेज में आपका पूरा आधार नंबर आपको मिल जाएगा। तो हम मैसेज चेक कर लेते हैं। ये हमने मैसेज चेक कर लिया, यहाँ मैसेज में इसने आपके पास आधार नंबर भेज दिया, डियर रेजिडेंट दिस योर इज़ योर आधार नंबर।
यहाँ से हमने इस आधार नंबर को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम आ गए अपनी वेबसाइट पर, बैक जाएंगे या फिर बैक जाएं या फिर आप वापस गूगल पे जाकर सिर्फ फिर वही से माई आधार UIDAI टाइप करेंगे और दोबारा से आप इस लिंक पर आ जाएंगे। हम बैक आ गए तो बैक आने पर हमें डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिल गया। यहाँ डाउनलोड आधार पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आधार नंबर हमारा पहले से ही क्लिक है या सिलेक्ट है। यहाँ पर हमें आधार नंबर अपना पेस्ट कर देना है, जो हमने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। नीचे हमें कैप्चा डालना है। कैप्चा हमें फिर ध्यान से डालना है, क्योंकि गलत हो जाएगा तो दोबारा से हमें फिर कैप्चा डालना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पर कैप्चा डाल दिया। दोबारा से सेंड OTP पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए एरर आ गया। हम दोबारा से इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमें कैप्चा डालना है। तो ये हमने कैप्चा इस बार बहुत ध्यान से डाला है। और ये देखिए OTP सक्सेसफुली डिस्पैच टू योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो हमारे नंबर पर ये कैप्चा आ गया है। हम एक बार फिर से अपने मैसेज बॉक्स में जाकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमने अपना OTP डाल दिया है, उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर मैसेज आ गया आपके सामने, कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड। द आधार लेटर PDF पासवर्ड विल बी 8 कैरेक्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट 4 लेटर ऑफ योर नेम एज इन आधार इन कैपिटल लेटर एंड ईयर ऑफ बर्थ इन दिस फॉर्मेट। तो जो आधार हमारे पास डाउनलोड हुआ, या नीचे देख रहे हैं आप डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, डाउनलोड का, तो ये डाउनलोड हो गया है। अभी ये इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें बता रखा है कि जो पासवर्ड हो गया वो क्या होगा। तो पासवर्ड इसमें लिख रखा है, आपका जो नाम होगा आधार कार्ड पर उसके फर्स्ट नेम के 4 लेटर्स होंगे कैपिटल में, और उसके साथ आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसके ईयर, कंप्लीट ईयर यहाँ पर डालना है। तो आपका नाम के 4 लेटर और ईयर। तो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो हम डाउनलोड में आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आधार पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। यहाँ पासवर्ड हम डालते हैं, तो पासवर्ड जैसे कि आपके नाम के फर्स्ट 4 लेटर और आपका बर्थ ईयर, गो किया और यहाँ पर हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो गया। तो आप देख सकते हैं ये ई आधार कार्ड है, इसमें पूरा आधार नंबर आपका दे रखा है, सारी डिटेल यहाँ पर, एड्रेस भी पूरा रहेगा। लेकिन आपका जो एक मास्क आधार भी होता है, अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं तो उसमें जो आपका जो लास्ट के 4 डिजिट हैं वही दिखाई देंगे, बाकी जगह पर XXX बना रहेगा, क्रॉस बना रहेगा। तो ये आधार आपने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, इसका प्रिंट निकाल लीजिए, जहाँ भी यूज़ करना है इस आधार को आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था सिंपल सा प्रोसेस आधार कार्ड को आपके फ़ोन में डाउनलोड करने का। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके काम का भी होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।